एक ही बात को किसी निकम्मे ने खास तरीके से कहा और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको इतने अच्छे तरीके से कहा कि सामने वाला गदगद हो गया है। भाई कायदे के लोग आलोचना भी करते, सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्या आलोचना की यार, मजा आ गया। और बेकार लोग तारीफ भी करते हुए लगता है कि लाठी मार रहा है। तो ध्यान रखिए, कहने की शैली अदा होनी चाहिए। अब इस अदा को लाने के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें अलंकार भी हैं, बिंब हैं, प्रतीक हैं, सब शब्द आपके नोट्स में आ रहे होंगे। जैसे कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, 14 फरवरी का दिन है, पवित्र पवित्र दिन है 14 फरवरी का, और किसी का मन है बेचारा पिछली 15 फरवरी से ही वेट कर रहा है 14 फरवरी का, और उसको ये पता है कि अगर मैंने ठीक से प्रपोज किया ना तो हाँ हो जाएगी, वरना नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना बुरा नहीं हूं कि मुझे देखते कोई खारिज कर दे, और मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं कि देखते कोई कहे कि आह तुम आ ही गए फाइनली, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस पे कि मैं कैसे प्रपोज करता हूं। अगर वो परफॉर्मेंस ठीक रही प्रपोज करने की तो हाँ हो सकती है, वरना ना तो होना है ही। अब कैसे अपनी बात कहे, तो अब देखेंगे कि प्रपोज करने के 1000 तरीके डेवलप हुए साहित्य की दुनिया में। इसीलिए एक फिल्म आई थी, इसका नाम था लक्ष्य। लक्ष्य में हीरो हीरोइन से कह रहे, तो हीरोइन कह रही कि ना यार, तुम यही बात किसी और अदा से कहते तो अच्छा होता। सुना आपने, वो शिल्प का अभ्यास करवा रही है। नायिका बताना चाह रही कि शिल्प क्या होता है, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी ना, वो उसने फिल्म में बता दिया था पहले से। इसी बात को घुमा फिरा के कहते, ऐसे कहते वैसे कहते तो अच्छा होता। भैया कोई जाके इसी से बोले मैं तुझसे प्यार करता हूं, लग रहा है कि जीएस का आंसर सुना रहा है, जैसे इसमें कोई दम नहीं आ रहा ना, क्या तरीका प्यार करता हूं। अरे स्टाइल से कहो, तो कुछ लोग स्टाइल से क्या, जैसे हिंदी फिल्मों में ऐसा स्टाइल खूब दिखता है। एक नायक नायिका से कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों की मां बनो। अब इसमें निहित है कि विवाह करना चाहता हूं, है ना। विवाह का प्रपोजल सीधी भाषा में ना देकर घुमा के एक भाषा में दे दिया। अब नायिका को लग रहा है कितना क्रिएटिव आदमी है, कम से कम बात तो ठीक सलीके से कर पा रहा है। ये एक ने सुन लिया, अब वो दूसरे के पास गया, दूसरा व्यक्ति मतलब गया अपने प्रस्ताविका के पास। अब उस लड़की ने पहले सुन लिया था उसका भी, उसने कहा वो स्टाइल तो हो चुका, उस नया स्टाइल होना चाहिए, वो क्या करे बेचारा। तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चों का पिंडदान मेरे बच्चे करें, नहीं तुम्हारा पिंडदान, सॉरी तुम्हारा पिंडदान मेरे बच्चे करें। अब क्या करे, कुछ नया बोलना है ना भाई, कहां से नया बोले। तो मैं आपको दो सिद्धांत समझाना चाह रहा हूं। पहली बात, सौंदर्य शास्त्र है, एस्थेटिक्स है, और एस्थेटिक्स में नए का जो महत्व है वो पुराने का है नहीं।